हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश संजू बाबा एंड प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ द्वितीय यानी केजीएफ चैप्टर 2 के डे नंबर 28 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बट फ्रेंड्स, आज वो लास्ट दिन होगा जब केजीएफ चैप्टर 2 खुल के इतनी अच्छे से अपनी कमाई जो है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कर पाएगा। क्योंकि गाइस, कल से सरकारु वाली पाटा रिलीज हो रही है, उसके बाद शिवा कार्तिकेयन की जो तमिल फिल्म है डॉन वो रिलीज हो रही है। तो साउथ में दो बड़ी बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हिंदी बेल्ट में वायरफ रिलीज कर रहा है जयेश भाई जोरदार। सो गाइस, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। कल से हम एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखेंगे, लेकिन बस वो सिर्फ कल होगा, क्योंकि फ्राइडे वापस से वीकेंड शुरू होंगे, वापस से केजीएफ कलेक्शन में जंप लाएगा। एंड गाइस, अगर जयेश भाई जोरदार यहां वहां गिरी, देन गाइस वापस से केजीएफ चैप्टर 2 जो धमाका वो सैटरडे एंड संडे को करता है वो वापस से करेगा एंड बहुत ही स्मैशिंग नंबर्स पोस्ट करेगा। लेट्स सी गाइस क्या होता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा केजीएफ चैप्टर 2 के लिए। एंड फ्राइडे बने रहिए केजीएफ चैप्टर 2 के इंडिया ग्रॉस एंड ओवरसीज यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो रिवाइज होकर आएंगे उसके लिए। चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली जो 27th डे था यानी कल का, वहां पर एक फिल्म ने किस तरह से परफॉर्म किया। देखिए गाइस, प्रोड्यूसर्स अब कलेक्शन देना बंद कर दिए हैं, ट्रेड ने भी कलेक्शन देना बंद कर दिया है। इट्स सैड कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये दूसरी फिल्म है जिसने नेट कलेक्शन में 400 करोड़ का बिजनेस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास वक्त नहीं कलेक्शंस देने के लिए। सो गाइस, हिंदी में इस फिल्म ने अपने 27th डे पर 2.30 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ केजीएफ चैप्टर 2 के 27 दिनों का टोटल है हिंदी में वो होता है 417.10 करोड़ यानी कि 417.10 करोड़। एंड आज जो गाना है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, महबूबा मैं तेरी महबूबा, वो गाना आ चुका है फुल सॉन्ग, अब जाके देखिए, बहुत ही मजेदार गाना है। अब गाइस बात करते हैं हिंदी ग्रॉस की। तो हिंदी ग्रॉस जो है वो हुआ है 2.75 करोड़, एपी तेलंगाना 40 लाख। एपी तेलंगाना अब कल से कितना होगा ये बहुत ही रोमांच पूर्वक रहेगा देखने लायक, क्योंकि सरकार वाली पाटा आ जाएगी। कर्नाटका 90 लाख, केरला की बात करूं तो 20 लाख, एंड तमिलनाडु 65 लाख। इसी के साथ कल का प्रेडिक्शन था 5 करोड़, लेकिन कलेक्शन जो आया है वो है 4.90 करोड़। तो गाइस 27वें दिन पर केजीएफ चैप्टर 2 ने 4.90 करोड़ की कमाई करते हुए अपना जो इंडिया का ग्रॉस है, यस फ्रेंड्स, इंडिया ग्रॉस आफ्टर 27 डेज इज 965.40 करोड़ यानी कि 965.40 करोड़। ओवरसीज इस फिल्म ने 25 लाख की कमाई की है एंड इसी के साथ इसका जो टोटल रहता है वर्ल्ड वाइड 27 दिन का वो रहता है 5.10 करोड़। एंड गाइस टोटलिटी में बात करें तो गाइस इसका जो कलेक्शन है वो है 1166.10 यानी कि 1166.10 करोड़। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए शुरू करते हैं। डे नंबर 28 आज यानी कि वेडनेसडे, हिंदी में इस फिल्म में तकरीबन 2 करोड़ या मैक्स टू मैक्स 1.90 करोड़ गिरा है, उससे नीचे नहीं गिरी ये पिक्चर, ओके। इसी के साथ इसका हिंदी टोटल जो है वो 419.10 करोड़ होता है यानी कि आज तक अभी तक इसने 419.10 करोड़ कमा लिए हैं। कल बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर एक कल कैसे भी और 1.75 या 1.50 करोड़ जो है वो कमाता है तो एटलीस्ट ये फिल्म 29 डेज में यानी कि इसका पहले महीने में यानी कि पहले 4 हफ्तों में ऑलमोस्ट 420 करोड़ के ऊपर का जो कलेक्शन है वो करने में सफल हो जाएगी यानी कि 420.50 करोड़ तक। उसके आगे इसकी किस्मत है, लेट्स सी कहां जाती है। सो गाइस, इसका ग्रॉस होगा कहीं ना कहीं 2.36 करोड़। एंड बात करूं कर्नाटका की तो 85 लाख, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 35 लाख, केरला 20 लाख, एंड तमिलनाडु 60 लाख। इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर केजीएफ चैप्टर 2 ऑन इट्स 28th डे, 28वां दिन है, 4.36 से लेके 4.40 करोड़ यानी कि 4.36 से लेके 4.40 करोड़ फिल्म कमाएगी। एंड ब्रेस योरसेल्फ्स, केजीएफ चैप्टर 2 नाउ एंटर्स 970 करोड़ क्लब। यस फ्रेंड्स, 970 करोड़ इज केजीएफ चैप्टर 2 का ग्रॉस आफ्टर 28 डेज एंड ये फिल्म डेफिनेटली इंडिया ग्रॉस, ओनली इंडिया
1000 करोड़ कमाने वाली है। अब गाइस बात करते हैं ओवरसीज, फिल्म कहीं ना कहीं 20 लाख कमाएगी एंड इसी के साथ माय प्रेडिक्शन फॉर द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑन इट्स 28th डे यानी कि 28वें दिन पे 4.60 एंड वो अगर मैं ऐड कर दूं देन ब्रेस योरसेल्फ्स वर्ल्ड वाइड अब एंटर करता है 1170 करोड़ क्लब में। यानी कल तक ये फिल्म 1170.70 यानी कि पकड़ के चलिए 1171 करोड़ तक यानी कि 1171 करोड़ क्लब में पहुंच जाएगा एंड वहां से उसकी रेस जो है 1200 करोड़ क्लब यानी कि 1200 करोड़ क्लब वहां से वो चलना शुरू कर देगा। सो अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ओवरसीज है ना इस फिल्म ने 201 करोड़ कमाया है यानी कि इंडिया कलेक्शन हटा दूं देन ओवरसीज केजीएफ चैप्टर 2 इन ऑल द लैंग्वेजेस हैज अर्न 201 करोड़ रुपीस एंड इंडिया का ग्रॉस है 969.80 करोड़। ओके तो ओवरसीज का ये कलेक्शन ऑलमोस्ट फाइनल है। आई थिंक UNGCC का थोड़ा बहुत ऐड करना है जो मैं कल या परसों ऐड करूंगा। इंडिया ग्रॉस में देयर इज गोना बी सीवियर रिविजन क्योंकि गाइस कर्नाटका एंड केरला का जो ग्रॉस फिगर है वो भी आना बाकी है। लेट्स सी जैसे वो आएगा तो मेरी उम्मीद है कि हम जो 969.80 करोड़ पर है वो शायद 976 या 977 करोड़ तक जा सकता है। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि एपिसोड आप लोगों ने देखा। आशा करता हूं आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अरे बदतमीज फिर से निकल लिया था बैग लेकर बैठे यहाँ पर। ओके गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस कल से जो शो काउंट है इसमें बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। सो गाइस बैंगलोर की बात करूं तो आज बैंगलोर में 189 शोज है। कल सरकारू वाली पाटा आएगा एंड आई थिंक सरकारू वाली पाटा हमने कल रात को डिस्कस किया था तो बैंगलोर में आई थिंक 520 शोज थे। KGF के अच्छे खासे शोज जो जाने वाले हैं आज बैंगलोर में ऑक्यूपेंसी 8%। बात करूं हुबली की तो हुबली में गाइज आज ऑलमोस्ट 12 शोज है, ऑक्यूपेंसी 15%। बात करूं गाइज यहां पर मैंगलोर की तो मैंगलोर की ऑक्यूपेंसी जो है वो 21% की है एंड शोज जो है वो 24 है। बात करूं गुलबर्गा की 7 शोज है, 68% ऑक्यूपेंसी। गुलबर्गा ने इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी दिखाई है हर दिन। बेलगाम की बात करूं तो 8 शोज में 15% ऑक्यूपेंसी थी। इवन मैसूर वॉज स्ट्रांग थ्रू आउट, 27 शोज थे, 18% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं कुंदापुरा की तो 18 शोज थे, यहाँ पर 5% ऑक्यूपेंसी है। टुमकुर वॉज ऑल्सो द स्ट्रांगेस्ट अमंगस्ट ऑल, आज 11 शो में भी यहाँ पर आज 28th डे पर ये फिल्म जो है वो 58% ऑक्यूपेंसी लेकर चल रही है। बात करूं मणिपाल की तो मणिपाल में 6 शोज थे जिसमें 58% ऑक्यूपेंसी थी। इसी के साथ यहाँ पर KGF चैप्टर 2 के जो 4 सुनहरे हफ्ते है यहाँ पे कर्नाटक में समाप्त होते हैं। कल से सरकार वाली पार्ट आएगा तो एक नया शो काउंट होगा। मेरी उम्मीद है कि बैंगलोर में एटलीस्ट कल तक 100 शोज बचे। लेकिन हिंदी में मम्मा मिया द ऑक्यूपेंसी इंक्रीजिंग, यस्टरडे मॉर्निंग शो 9%, टुडे 10%, आफ्टरनून 12%, इवनिंग 16% एंड रात के शोज थोड़े ठंडे चल रहे हैं। यानी कि कल जितना ही कलेक्शन आ जाएगा या थोड़ा 10-20 लाख कम आएगा तो 2 करोड़ के आसपास आएगा। मुंबई की बात करूं तो गाइस 269 शोज है आफ्टर जयेश बार। जयेश भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर KGF के पास 160 या 150 शोज भी बचे सुपर मेरा भाई, दिस विल यू नो बी इन द रेस टू गो टू 450 करोड़। यस बहुत ही बड़ा सपना है जो हम देख रहे हैं लेकिन KGF है मेरा भाई, वीकेंड पे क्या बमबारी करेगा किसी को नहीं मालूम। दिल्ली NCR की बात करूं 298 शोज, ऑक्यूपेंसी 16%, ब्रिलियंट मैन। पुणे 102 शोज, 23% ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु की बात करूं 56 शोज, 18% ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 64 शोज, 13% ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोलकाता 93 शोज, 29%। तो दिस इज अ साइन ऑफ अ ब्लॉकबस्टर। 29th डे पर ये फार शोज लेके चल रहा है। लुक एट अहमदाबाद 166 शोज नली, 15% ऑक्यूपेंसी। इधर चेन्नई के 6 शोज इधर 68% ऑक्यूपेंसी। सूरत में 102 शोज, 12% ऑक्यूपेंसी। KGF चैप्टर 2 इन कर्नाटका एंड यू नो द हिंदी वर्जन इज इनफ टू रेक इन द मूला एंड टू रेक इन द मनी। एंड बात करते हैं एक और स्ट्रांग वर्जन जो है तमिल। शिव कार्तिकन की फिल्म है डॉन, वो आने के बाद इसके शोज डेफिनेटली कम होंगे लेकिन लेट्स सी द लास्ट बैंग ऑफ KGF। चेन्नई में 138 शोज है, आई थिंक डॉन आने के बाद 60 या 70 शोज बच जाएंगे लेकिन 138 शोज में भी चेन्नई शोइंग 21% ऑक्यूपेंसी। बैंगलोर 20 शोज इधे तमिल लैंग्वेज नली, 27% ऑक्यूपेंसी इधे। मदुराई 46 शोज, 8% ऑक्यूपेंसी। कोयम्बतूर 40 शोज, 15% ऑक्यूपेंसी।
बात करो गाइस यहाँ पे सैलम की, तो सैलम में 19 शोज है, 12% ऑक्यूपेंसी। लुक एट वेल्लूर, 25 शोज, 11% ऑक्यूपेंसी। दिंडीगुल 8 शोज, 15% ऑक्यूपेंसी। लुक एट त्रिची, 25 शोज, 15% ऑक्यूपेंसी। यानी कि तमिलनाडु, कर्नाटका एंड हिंदी वर्जन आर डूइंग रियली गुड बिजनेस। ओके गाइस, होप आज का ये एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। सो गाइस, केजीएफ चैप्टर 2, इंडिया 970 करोड़ एंड वर्ल्ड वाइड 1170 करोड़, साइंड सील्ड एंड डन मेरा भाई। So, I'm Ramansai signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.